अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल लर्निंग के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि व्हाट्सएप पर मैसेज किस तरह करते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करना बहुत ही आसान है। अलबत्ता व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने से पहले इंटरनेट का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के बग़ैर आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेज सकते और ना ही मैसेज वसूल कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप मौजूद नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन में आपकी दाएं तरफ इस व्हाट्सएप के आइकन को टैप करें। स्क्रीन में आपके सामने कुछ नाम और उनकी तस्वीर नज़र आ रहे होंगे। ये वो नाम हैं जिनसे आपका रابطہ पहले भी हुआ है। आप जिसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसका नाम अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो आपकी स्क्रीन में ऊपर की तरफ दाएं जानेब एक मैग्नीफायर का आइकन नज़र आ रहा होगा। आप इस आइकन को टैप करें। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ए से लेकर जेड तक हरूफ नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ उस बंदे का नाम लिखकर ढूंढ सकते हैं। नाम लिखने के बाद वो आपकी स्क्रीन में सबसे ऊपर आ जाएगा। आप उस नाम पर टैप करें। आपकी स्क्रीन के सामने उस बंदे की चैट खुल जाएगी और साथ ही कीबोर्ड भी। अब आप जो भी पैगाम भेजना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें। मैसेज लिखने के बाद आपकी स्क्रीन के दाएं जानिब इस हरे आइकन को टैप करेंगे। आपने जो पैगाम भेजा है वो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और साथ ही डबल चेक का निशान भी नज़र आ रहा होगा। इस डबल निशान का मतलब है कि आपका पैगाम उस बंदे तक पहुंच चुका है। जब वो बंदा आपका मैसेज देख लेगा तो ये डबल चेक का निशान नीले रंग में तब्दील हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जिसको मैसेज भेजा है वो आपका मैसेज पढ़ चुका है या देख चुका है। जब भी वो बंदा आपके मैसेज का जवाब देगा तो आपकी स्क्रीन के सामने उसका जवाब भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आप अपनी गुफ्तगू जारी रख सकते हैं। आपके मैसेज का रंग हरा और आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसके जवाब का रंग हमेशा सफ़ेद होगा। उम्मीद है आप बआसानी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना सीख चुके होंगे। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।